क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, IPL 2019 का हर एक मुकाबला एक से बढ़कर एक रोमांचक हो रहा है। ऐसा ही एक मुकाबला विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले को मुंबई की टीम ने 5 विकेट रहते ही जीत लिया। लेकिन दोस्तों रुकिए। दोस्तों, क्या आपको ऑफिस के लिए स्टाफ चाहिए या फिर आपके HR या बॉस को स्टाफ हायर करना है? ट्राई कीजिए www.workindia.in। ये इंडिया का टॉप जॉब पोर्टल है हायरिंग के लिए। इस पे 10 लाख से भी ज्यादा लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। आपको बस अपनी जॉब पोस्ट करनी है workindia.in पर। इंटरेस्टेड लोग आपको सामने से कॉल करेंगे जॉब के लिए। उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाइए और हायर कीजिए सिर्फ 3 दिन में। आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं फ्री ट्रायल लेकर। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक workindia.in पर आज ही फ्री में जॉब पोस्ट करें और पाए बेहतर स्टाफ। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद नजर डालते हैं इस मुंबई की लाजवाब जीत पर। इससे पहले बेंगलुरु से मिले 171 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत लाजवाब रही। क्विंटन डिकॉक और कप्तान रोहित शर्मा ने मिलकर मुंबई की टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई। इन दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 70 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप बनाई। लेकिन इन दोनों को बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद दोनों में से कोई भी बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। रोहित शर्मा 28 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं क्विंटन डिकॉक सिर्फ 40 रन ही बना पाए। लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद मध्यक्रम ने बेहद ही ज्यादा धीमी बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से सारा दबाव आखिरी 2 ओवर्स में आया। दरअसल मुंबई की टीम को आखिरी 12 गेंदों पे 22 रनों की आवश्यकता थी और मैदान पर मुंबई के दो बड़े फिनिशर हार्दिक पांड्या और कायरन पोलार्ड बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली ने इस पूरे मुकाबले में बेहतरीन कप्तानी की, लेकिन इस मुकाबले की सबसे बड़ी गलती विराट कोहली ने 19वें ओवर में की। हार्दिक पांड्या जैसे तूफानी बल्लेबाज के सामने विराट कोहली ने 19वां ओवर पवन नेगी को दे दिया और हार्दिक पांड्या ने 19वें ओवर में ही 22 रन ठोक कर मुंबई को इस रोमांचक मुकाबले में जीत दिला दी। इससे पहले टॉस हारकर बेंगलुरु की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आई। मोइन अली और एबी डिविलियर्स की बेहतरीन अर्धशतकीय पारियों की मदद से बेंगलुरु की टीम 171 रन का विशाल लक्ष्य मुंबई की टीम के सामने रख पाई। इस मुकाबले में मुंबई की तरफ से लसित मलिंगा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, वहीं बेंगलुरु के लिए एबी डिविलियर्स ने लाजवाब 75 रन की पारी खेली। तो दोस्तों, आप हार्दिक पांड्या को अपनी इस तूफानी बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।